The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट या फिर लोकल किसी चौपाटी में जा रहे हो कि भाई आज तो खाएंगे दबा के और सोच के लगते हो कि भाई आज खाएंगे और फिर बाद में मतलब गिल्टी फील करते हो, यार वजन मोटा हो गया, यार मैं क्या करूं, यार मेरे से ना कंट्रोल नहीं होता, एक खाता हूं तो मेरे ना बस खाते जाता हूं। तो भाई साहब, यस देर आर सम चॉइसेस, हेल्दी चीज़ें जो आप खा सकते हो, जो कर सकते हो, जैसे कि आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाओगे भी और आप हेल्दी एस्पेक्ट्स में चले जाओगे, यानी मोटे उतने नहीं होगे, बीमार उतने नहीं होगे, दिक्कत उतनी नहीं होगी। ऑब्वियसली चीज़ें देखो, एक वेट लॉस या हेल्दी डाइट फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने फास्ट फूड कभी ज़िंदगी में खाना ही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है। ऑब्वियसली चीज़ यू कैन, और एक आधी बार बीच बाच में आप फास्ट फूड खा लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करना है, आपको ये देखना है, अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे एक सैंडविच खा रहे हो, मान लो सैंडविच, लोगों को लगता है सैंडविच कोई ज़्यादा ख़राब चीज़ नहीं है, बट यस सैंडविच में जो मेयोनीज जाता है वो जाते हैं, दीज आर ऑल्सो फास्ट फूड। सो सैंडविच अगर है, मल्टीपल साइजेज हैं, बड़ा छोटा छोटा, तो सबसे छोटा साइज़ ले लो सैंडविच का, नंबर वन थिंग। अगर मान लो कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, हैमबर्गर, फर्गर कुछ खा रहे हो, इस प्रकार के बर्गर खा रहे हो मान लो, राइट, सो बर्गर मत खाओ। अगर बर्गर की जगह आप चाहो तो दूसरी चीज़ें खा सकते हो, जैसे ये सैंडविचेस खा सकते हो। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स को स्किप करना है। कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा डेंजरस होती है एक्चुअली, जो कोल्ड ड्रिंक्स भी ज़ीरो कैलरीज, उसके अंदर ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स है, सीधा एम्प्टी कैलरीज है उसमें, एम्प्टी कैलरीज मतलब सीधा मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स से बड़ा बेकार कुछ नहीं है। कोल्ड ड्रिंक लेना भी है तो सिप करो, कोशिश करो जितनी मिनिमम घुट घुट गए इतना सा पियो, बस डोंट ड्रिंक टू मच कोल्ड ड्रिंक। सो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीना है, यूजलेस सी चीज़ें हैं, राइट। सो छोटो अगर कुछ खा ही रहे हो तो जो भी अवेलेबल है छोटे साइज में, छोटा साइज ले लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईट स्लो, उस चीज़ को स्लो खाइए, धीरे धीरे खाइए, चबा चबा के खाइए, ताकि उसके मजे लेके खाओ। बट ठीक है, मजे लेने आए हो, मजे लेके खाओ, फटफट खा के कहाँ जाना है, राइट। लार्ज सर्विंग नहीं खानी है, चाहे फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो, छोटा फ्रेंच फ्राइज ले लो, छोटा सर्विंग ले लो, आप उसमें करीब 200, 400, 800 कैलरीज बचा लोगे, लिटरली इट्स अ बिग थिंग। 800 कैलरीज इंसान एक दिन में पूरा भाग भाग के भी बर्न नहीं कर सकता जितना आप उसमें कर लेते हैं। सो यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ योर दिस नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है कि हेल्दी चीज़ें क्या है तो वो बहुत काम आता है। हेल्दी डिशेस होती हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी, फ्रेंच फ्राइज की जगह सैलड्स होते हैं, लो ड्रेसिंग, लो फैट ड्रेसिंग्स होते हैं, बेक्ड पोटैटोज होते हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं, फ्रूट बोल होता है, राइट, योगर्ट होता है, दही फ्रूट होता है, ऐसी चीज़ें आप खा सकते हो। हेल्दी चॉइसेस आपके किसी भी प्रकार के फ्रूट का, कोई भी प्रकार का बना हुआ चीज़ हो सकते हैं। सिंपल स्टीम्ड राइस या बेक्ड पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी एक तरीके से हेल्दी होते हैं। अल्टीमेटली फास्ट फूड में जो तले हुए चिकनाई वाली चीज़ें हैं, घी, बटर, मक्खन, मलाई, मेयोनेज और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, राइट। एक ग्रिल्ड चिकन, श्रिम्प, वेजिटेबल्स और सैलेड साथ में लेना एक हेल्दी ड्रिंक हो जाए, हेल्दी चीज़ हो जाएगी आपकी। सो याद रखिए, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। सो यस, आप याद रखिए, ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें सॉल्ट और शुगर दोनों ही चीज़ें कम हो, और हाई कैलरी सैलड से बचना है, क्योंकि उसमें कई बार सैलड्स में बहुत ज़्यादा फ्राइड सैलड के ऊपर टॉपिंग्स डाल दी जाती है, राइट, चीज़ हो गया, कई मेयोनीज हो गया, कोई ऐसे तैसी वाली, इतनी सारी ड्रेसिंग की, सैलड कम ड्रेसिंग ज़्यादा है, तो सैलड में मिनिमम ड्रेसिंग होनी चाहिए, ना के बराबर, ना कि भर भर के उसमें चीज़ डाल रहे हैं, नहीं, चीज़ेस वीजेस किसी भी चीज़ में, सैलड्स हो, सैंडविचेस हो, उसमें चीज़ यार ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। फ्राइड या ब्रेडेड फूड्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे क्रिस्पी चिकन सैंडविच और ये फिश फिलेट्स और एसेट्रा एसेट्रा, वो जो जितने भी तले हुए चीज़ें हैं उनकी जगह रोस्टेड या बेक्ड
या ऐसी चीज़ें प्रेफर करिए जो कि ज़्यादा बेहतर होगा, राइट? ग्रिल्ड या रोस्टेड? ग्रिल्ड ले सकते हो, रोस्टेड ले सकते हो, और प्रोसेस्ड फूड से नॉन प्रोसेस्ड फूड प्रेफर करो। प्रोसेस्ड फूड यानी अगर चिकन ले रहे हो तो जैसे सलामी होता है और दूसरे जो प्रोसेस करके मिंस करके उसका बनाया हुआ चिकन है, उसकी जगह नॉर्मल जो चिकन होता है उसको लेकर उसको ज़्यादा लेना, ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। बेवरेजेस में भैया छोटे से छोटा आपने ड्रिंक लेना है, अगर लेना है सोडा वाली चीज़ें, डाइट सोडा, अनस्वीटेंड, कोई भी ऐसी चीज़ें ना करो। डाइट सोडा भी देखो, अल्टीमेटली डाइट सोडा को बहुत लोग बुरा बोलते हैं, कई लोग लेते भी हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। कम क्वांटिटी में लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी हमेशा ही अपना इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नहीं तो पानी ले सकते हो। आप आइस आइस टी ले सकते हो बिना बिना मीठा डाले, राइट? अनस्वीटेंड आइस टी, स्पार्कलिंग वाटर, मिनरल वाटर, क्या क्या नहीं आता दुनिया में। लेमन सोडा इज़ वेरी गुड, जो आप सॉल्टी वाला ले लो, स्वीट वाला नहीं, मीठा नहीं खाना है। शेक्स वेक्स छोड़ दो, आइसक्रीम शेक्स, आइसक्रीम ड्रिंक्स, लार्ज आइसक्रीम शेक, बहुत ज़्यादा कैलरीज, 8,800 कैलरीज होती है उसमें, वो सब मत लेना। रिमेम्बर यू डोंट हैव टू सेटल फॉर यू नो कि आपके सैंडविच के बाद कुछ और आना ही आना है। अगर आपको लगता है कि एक सैंडविच बहुत है, आपका खाना पेट भर गया, तो छोड़ दो उसको, राइट? यू कैन ईट लेटर, थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे जाके खा सकते हो, हेल्दी और ऑप्शन ले सकते हो। पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हो, इस तरह से आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को, अपनी बॉडी को, अपने फैट परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया ऑफ हाउ टू ईट आउट ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ओके,